हवा में लगातार हो रहे परिवर्तन और मौसम के उतार चढ़ाव के कारण जनजीवन पर कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, किंतु आगामी दिनों में मौसम साफ हो जाएगा और बादल छट जाएंगे। ये बात मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HL खापेड़िया ने सोमवार को कही। हाँ, मौसम परिवर्तन के कारण जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। जहाँ आगामी दिनों में मौसम साफ होने की संभावना मौसम विभाग के वैज्ञानिक द्वारा जताई गई है। सोमवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र के डॉक्टर HL खापेड़िया ने मीडिया को बताया कि पश्चिम क्षेत्र में डिस्टर्बेंस होने के कारण तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह जहां इंदौर सहित मालवा क्षेत्र का तापमान अधिकतम 40 से 41 डिग्री के आसपास रहा, तो वहीं न्यूनतम 21 से 22 डिग्री हुआ था। वहीं एक दो दिन में अधिकतम 38 डिग्री और न्यूनतम 21 से 22 डिग्री तापमान होने की संभावना जताई जा रही है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा। जी सर, बताएं मौसम की अभी क्या स्थिति। वर्तमान मौसम की बात करें तो हम वर्तमान में देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तापमान में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। हमने देखा पिछले सप्ताह 40-41 के आसपास टेम्परेचर चला गया था अधिकतम तापक्रम, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 21-22 के आसपास चला गया था। और अभी एक दो दिन फिर हमने देखा वो टेम्परेचर में फिर से कमी दर्ज की गई, और जो अधिकतम तापक्रम था वो 38 के आसपास रहा और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 21-22 के आसपास चला गया। और देख रहे हैं हम के मौसम में लगातार बदली छाई हुई है और जिसके कारण तापमान में फिर से उतार चढ़ाव आ रहा है। अभी हम यदि आने वाले एक दो दिन की बात करें तो आने वाले एक दो दिन में यानी 28 तारीख के बाद हम देखेंगे तो जो ये अधिकतम तापक्रम है ये फिर से बढ़कर 41-42 के आसपास जाने की संभावना, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अब 21-22 से बढ़कर ये 24-25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। तो ये 2-3 डिग्री का जो तापक्रम में उतार चढ़ाव आ रहा है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये एक सप्ताह बाद मौसम साफ हो जाएगा और जो अधिकतम तापक्रम है वो 40-41 के आसपास रहने की संभावना, और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 25-26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और जो हवाएं हैं वो हवाओं की दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। अभी जो हवाएं चल रही है वो उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। सर, ये बादलों की बात की जाए, बादल छा जा रहे हैं, तो क्या बारिश होने की भी संभावना नहीं? अभी बारिश होने की संभावना नहीं है, किसी भी प्रकार की संभावना नहीं है, पर ये बादल 1-2 घंटे रहने की संभावना, ये 1-2 दिन बाद ये जो बादल है ये भी छट जाएंगे और बिल्कुल साफ होने की मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। सर, आपका परिचय? और डॉक्टर HL खपेड़िया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि महाविद्यालय इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।